नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। केम छो, मजा में। और आज 21 जनवरी है, मतलब कि मेरा बर्थडे है आज। लेकिन फिलहाल मैं गांव में हूँ, इसलिए ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं है फिलहाल के लिए। और अभी जस्ट नहा के आया हूँ। वैसे तो बजे है दोपहर के 12, और ये शर्ट पहनना है क्योंकि सारे मेरे कपड़े जो है, जो घर पे मैं पहनता हूँ, वो सब धोने के लिए गए हैं। क्योंकि हम तीन लोग रहते हैं तो हर रोज़ इतना कुछ होता नहीं है, तो हर 2 दिन में एक बार वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं। और दूसरी बात कि 20 तारीख को, मतलब रात के 12 बजे, एक छोटा सा, मतलब सरप्राइज तो नहीं था, मुझे पता ही था कि ये होने वाला है, तो वो एक पार्ट है, वो देख कर आइए। उसकी बर्थडे है इसलिए मैं उसे उठाने जा रही हूँ अभी 12 बजे से। 12 बजे के बाद बर्थडे हो शुरू होगी। और ये देखो, लाइट चालू करके सो गया है, फैन भी चालू इतनी ठंडी में। નીચે ચાલ દે, 2 મિનિટ થઈ જશે। बस उठी गई। अरे ठंडी में तो ना धीरो ना आ गया। कोई ना फोन ना आया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पापा ना फोन आया। स्माइलिंग फेस विद सनग्लासेस। व्हाट्सएप वीडियो। मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी और पापा गए हैं। मम्मी को थोड़ी तबीयत खराब थी, तो एक बार तो डॉक्टर के पास जाके, लेकिन आज फिर से चेकअप के लिए जाना था, तो वो गई है डॉक्टर के पास। और खाना थोड़ा बहुत मैं बनाऊंगा, और रिया भी यहाँ पे है ही पीछे, तो वो रोटियाँ बना रही है क्योंकि वो मुझे नहीं आता है। और बाकी का जो सब्जी है वो ऑलरेडी बन चुकी है। हाँ, अभी चखना बाकी है क्योंकि चखना पड़ेगा बस। तो और तो कुछ है नहीं, भी मम्मी पापा आएंगे तब दोपहर का तो घर का ही खाना खाना है। रात का क्या है वो मुझे अभी तक पता नहीं है। तो देखिए, ये बैंगन और मटर की सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुकी है, क्योंकि स्मेल तो अच्छी आ रही है। अभी बस एक बार टेस्ट करेंगे। होती है उसको हर बार सरप्राइज मिलता है, लेकिन आज सरप्राइज मुझे नहीं लेकिन रिया को मिलने वाला है। वो सरप्राइज ये है कि वो जब से यहाँ पे मेरे गांव में आती शुरू हुई है, तब से उसकी एक फरियाद ये रही है कि हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं गए, मतलब कि स्पेशली खाने के लिए बाहर नहीं गए। और ये इस बर्थडे के दिन भी वो जब आने वाली थी एक दिन पहले, तब भी वो ये बोली थी कि कोई बात नहीं, चलो वैसे भी बाहर जाने का तो मिलेगा नहीं, घर पे ही गार्लिक ब्रेड बना लेंगे, ऐसा बोल के वो यहाँ पे आई। और अभी मैं यहाँ पे सो रहा था, क्योंकि ना मुझे अपना अपने आगे की क्लिप में देखा और यहाँ पे भी दिख रहा है कि मेरी आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल आने शुरू हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो मैं आके सो रहा था, तो वो मुझे आई कि चल गार्लिक ब्रेड बनानी है तो सब सामान लेने के लिए जाना है और तैयारी भी करनी है। लेकिन मैंने उसे कुछ भी चूरन दे के भगा दिया है, तो उसको पता नहीं है कि आज उसको सरप्राइज मिलने वाला है। तो हम अभी फिलहाल
अभी तो रेडी नहीं हुआ है, लेकिन कहाँ पे जाने वाले हैं तो वो विलियम जॉन्स, एक यहाँ पे गुजरात में एक फ्रेंचाइजी है जो अनलिमिटेड पिज़्ज़ा आपको ऑफर करती है। वो क्या है उसका पूरा जो है वो मैं आपको वहाँ जाकर दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ पे जाना है और वो मुझे और उसको और इवन हमारे सारे कज़िन को भी पिज़्ज़ा खाने की बहुत ही तमन्ना काफ़ी टाइम से है। तो मेरी और उसकी तो आज पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरे कज़िन की कब पूरी होगी वो मुझे पता नहीं है, वो भी मेरे ऊपर ही बम फोड़ेंगे। लेकिन देखते हैं अभी कि क्या करना है। तो फिलहाल तो मैं नीचे जाता हूँ और वो क्या करती है वो सुनते हैं। और दूसरी बात कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि मुझे मेरी बर्थडे के गिफ्ट के स्वरूप में आईफोन 13 प्रो मिला है, और उसकी पूरी स्टोरी क्या है वो मैं अलग से ही एक व्लॉग बनाऊंगा, बनाने वाला था लेकिन उसका भी मुझे टाइम नहीं मिला, तो वो मैं बाद में पूरा बताता हूँ। अभी मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि वो मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रही है। तो अभी नीचे जाते हैं और फिर आगे का क्या है वो आप आगे देखिए। तो पापा ब्रेड ने दूला है तो हूँ करवाऊ, अगर जाओ यार खिचड़ी ने साग चालू कर कार है सामारिस है कार है सामारिस कार है अपना जो कुछ जाने लगा मैं एक बजे नहीं खा तो हूँ लिया तो मोल तो बहुत गंदा लग रहा है शायद गोबरी तो गोबरी गंदा थी जाड़ो जाड़ो लग तो मस्त रूप वाला देखो जो फिलहाल तो ये चॉकलेट खाते है ओ, आप अमूल अब मारी माटे तू बदी खाई गई तारी है? तो तारा पग नहीं खाई गई बदी खांसी था या नहीं खावानी तारे तारे भी नहीं खावानी तने भी खांसी थाई था खांसी आने मन नहीं थी मारे खावानी तैयारियां हो रही है कैप्सिकम कटने के लिए बाहर निकाले गए है आवाज है आवाज है आवाज मुकी दे बदु मुकी दे के नदी अब खावा मां जो उपवास कर मुकी दे मुकी दे मुकी दे जाओ बाहर जाओ कई जवान मत ये गम में ले लो काठे वाली खाओ रोटला ने रिंगन को लिए रे बिचारी मने सरप्राइज आपवानो पोताने सरप्राइज मळी गयो ने रेडी छे ने खावा जवानो एमो હું નવો પપ્પા ના ચાલે चलिए। तो दोस्तों फाइनली अभी इसको भी पता चल गया कि बाहर खाने के लिए जा रहे हैं, डिनर आज बाहर होगा लेकिन कहाँ पे होगा वो भी उसको पता नहीं है, वो उसके लिए अभी भी सरप्राइज है। और ये मेरी बहन मैकडी में से बातें कर रही है। जयाव जयाव हेलो जी हाउ आर यू। चलिए तो अभी हम फिलहाल गाड़ी में बैठे हैं,
खा खाने पी पी। लाइटें बंद करो भैया। चलिए लाइटें बंद करनी है और अभी फिलहाल गाड़ी में बैठा है और सीधा जहाँ पे जाना है वहीं पे जाकर मिलते हैं। इसको अभी तक पता नहीं है। और ये बंदा जल्दी एडिट नहीं करता है। कहिया नवजीवन गाड़ी थी क्या पावर पैलेस वाली? चलो तो गाड़ी में बैठते हैं। मम्मी बड़े अरसे बाद आज ड्राइविंग सीट के बाजू में बैठे हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं। अबे यहाँ बेहंगानी बात कर रहे हो भाई। मुझे इस सीट पर अच्छा लगता ही नहीं है। हाँ मतलब मेरी मम्मी को पीछे सेठानी की तरह बैठना ही अच्छा लगता है। जॉन्स में पहुंच चुके हैं और इसको अभी अभी पता चला कि हम विलियम जॉन्स में आ रहे हैं। अब तक इसको पता नहीं था। ऐसे अनलिमिटेड पिज़्ज़ा खाने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे एक बात मैं हर बार ऐसे माइंड में डिसाइड करता हूँ कि इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा खाऊँगा, स्टार्टर नहीं खाऊँगा। लेकिन जब भी मैं जाता हूँ मैं स्टार्टर खाता ही और फिर पिज़्ज़ा खाने के लिए पेट में जगह नहीं बनती। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा खाऊँगा। तो अनलिमिटेड में बेसिकली ये है क्योंकि कुछ जगह पे नहीं है। महाराष्ट्र में पुणे में सिर्फ एक ऑक्टन करके जो ऐसा देता है कि पहले स्टार्टर में सब रहता है, तरह तरह के पास्ता नूडल्स, फिर फ्राइड राइस, पाव भाजी भी रहती है, बहुत सारे ऐसे स्टार्टर रहते हैं, सूप रहते हैं, फ्रेंच फ्राई रहती है, वो सब अनलिमिटेड। और कोई भी चार फ्लेवर के पिज़्ज़ा वो अनलिमिटेड और गार्लिक ब्रेड वो अनलिमिटेड। उसके बाद आपको आइसक्रीम या फिर ब्राउनी मिलती है और कोक वो भी अनलिमिटेड मिलती है। मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपको जो चाहिए वो अनलिमिटेड मिलता है। और दूसरी बात कि वो बात मेरे फैमिली वालों ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि मैं ये व्लॉग में ना बताऊं, लेकिन एज अ व्लॉगर मुझे सब बताना पड़ता है। तो वो बात ये है कि मुझे जोर से लगी है तो खाने से पहले मैं पहले जाऊंगा और फिर आऊंगा खाने जा। अभी ये वॉशरूम में तो चिपकली होगी या नहीं होगी, बैठ जाते हैं। चलिए तो हमारे मम्मी पापा ने तो शायद खाना शुरू भी कर दिया। चालू भी कर दीजिए। मना करने के बावजूद भी मैं स्टार्टर खा ही रहा हूँ, लेकिन पहले से कम लिया है। और ये मम्मी और अभी सब वो मेन कोर्स मतलब इटालियन मेन कोर्स के लिए रेडी हो चुके हैं और हम चारों ने ली है कोक और पापा सबसे अलग वो फैंटा की ओर गए हैं। लस्सी जो है तुम्हारे आप लोग चालू कर दे कुछ हिटेस जॉन्स हेजल जॉन्स हाँ पुरोहित जॉन्स हाँ पुरोहित जॉन्स चालू कर दो। खाने से पहले सब एकदम टाइट बैठे थे, अभी सब फैल गए। देखे पापा भी फैल गए, मम्मी भी थोड़ी एडजस्ट इधर उधर हो रही है। लेकिन मैंने अभी भी एक पिज्जा ऑर्डर किया है, और वो पिज्जा अभी तक आया नहीं है। वो पिज्जा खाएगी उसके बाद खत्म, और उसके बाद ब्राउनी और आइसक्रीम बस। खाना हो चुका है एकदम कंप्लीट और अभी जाएंगे कर। फिलहाल तो सीढ़ियाँ उतरने की भी ताकत नहीं है, मतलब इतना खाया है। ये देखिए बैठ गई।
इतना खाती है चला भी नहीं जाता। नेक्स्ट डे और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बस कल रात को आए, कपड़े चेंज किए और सीधा सो गए और आज सुबह उठा हूँ। और बस ये व्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बस। और मैं वैसे तो 23 को रात को पुणे जाने वाला था, लेकिन जो मेरी ट्रेन का हफ्ते पहले का बुकिंग था और सिर्फ 15 वेटिंग लिस्ट थे और 99% कन्फर्मेशन का चांस था, लेकिन वो अभी तक 15 ही दिखा रहा है वेटिंग लिस्ट, तो मुझे लगा कि अभी होगा नहीं। तो मैं आज रात 22 को बाई बस जाऊँगा, रात को 10:30 बजे की बस है भरूच से। उसका भी अभी कोई व्लॉग डालूंगा नहीं, क्योंकि बस वही रूटीन है कि जाता हूँ आता हूँ। तो फिलहाल तो अभी नीचे जाऊँगा, नहाऊँगा धोऊँगा और सारी तैयारी करनी है मुझे, पैकिंग पूरी करनी है। तो चलिए अभी सीधा मिलते हैं जब भी व्लॉग बनाएंगे तब। और आशा करता हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ एकदम हेल्दी और मस्त हो गए। बस तो फिर हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।